हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं की के बारे में। देखिए, की अलग अलग टाइप्स की हैं और इसका यूज क्या है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरे पास कोई सर्कुलर शाफ्ट है। सर्कुलर शाफ्ट को मैंने एक सर्कुलर होलो बॉडी के अंदर मैंने इसे फिट करना है। मुझे लगता है कि ये इसमें फिट होना चाहिए और जब मैं चाहूं इसको अलग कर लूं, ठीक है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल की आपको मिलती है जनरेटर का हैंडल देखना। जनरेटर होता है ना, तो जनरेटर का हैंडल देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि की क्या होती है, ठीक है। आप देखना, शाफ्ट जो होती है उसके अंदर एक खांचा बनाया होता है और की हमारे हैंडल के अंदर होती है। जब वो की उस स्प्लाइन के अंदर फिक्स हो जाती है, देखिए स्लाइड करके हमने उसमें डाल दिया। अब वो सर्कुलर जो शाफ्ट है वो हमारे हैंडल के साथ एक तरह से फिक्स हो गई और जब हम चाहें उसको निकाल भी सकते हैं। ये भी नहीं, परमानेंट फिक्स भी नहीं है, कितना अच्छा फायदा है। लेकिन आप उस की कंडीशन सोचिए, की किस तरह से फोर्स बर्दाश्त कर रही है। अकेली बेचारी उस छोटी सी की के ऊपर सारा दमदार है कि वो सारा शीयर स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस वो सारा अकेले सहन करे, ठीक है। इतना बड़ा देखो जनरेटर है, अगर आपके पास हैंडल ना हो आप स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। और छोड़ो, की निकाल दो सिर्फ उसमें से। मैं कह रहा हूं जनरेटर आपका है, जब भी जरूरत पड़े आप इसे चला लेना। लाइट से नॉर्मली जाती रहती है इस एरिया में, तो आपके पास ये हैंडल है, ये जनरेटर है और डीजल डाल रखा है। जब लाइट जाए आप उसमें हैंडल लगा के और ऑन कर लें जनरेटर। और मैंने क्या किया, की निकाल दी बस उसकी, करके दिखा दो स्टार्ट उसको, नहीं होता। इतना हैवी है वो शाफ्ट, ठीक है, उसको घुमाने के लिए पावर चाहिए। आप हैंडल पे जब फोर्स लगाते हो वो एक्चुअली आप उस पर लगा रहे हो, लेकिन उसको घुमाने के लिए शाफ्ट पर फोर्स एक्चुअली में कौन लगा रहा है, की। तो की का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। होलो इस तरह से सर्कुलर शाफ्ट है और यहां पे मेरे पास एक सॉलिड शाफ्ट है, यहां पे है, और इन दोनों को मैं एंगेज करना चाहता हूं आपस में, एक दूसरे के साथ एंगेज करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे की लगा दूंगा, की ये है, समझ रहे हैं। तो ये जो की है ये इसके अंदर जाके फिट बैठ जाएगी, जनरेटर की तरह ही, जनरेटर की तरह ही फिट बैठ जाएगी अंदर जाके। और ये अंदर जब जाएगी तो ये दोनों पार्ट आपस में एंगेज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप की को समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग है हमारे पास। सबसे पहली जो की टाइप है वो है संक। संक की, संक का मतलब क्या होता है कि डूबा हुआ, डूब जाना, है ना। तो संक क्या है, डूब जाना। तो इस तरह से क्या है कि की हमारी जो होगी वो शाफ्ट के अंदर एक तरह से डूबी हुई है, ठीक है। तो संक की क्या है, वो शाफ्ट के अंदर एक तरह से डूबी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, शाफ्ट को सामने की तरफ से बना के दिखाता हूं। और यहां पे देखिए, ये शाफ्ट में की जो है ये हाफ अंदर होगी हाफ बाहर होगी, इस तरह से मैं सामने से दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको इस तरह से 3D दिखा दूं तो ये देखो, तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक संक की है। अब इसकी सामने की शेप की है ना, जो उसकी शेप डिसाइड करेगी कि इसका क्या नाम है, और इसकी लेंथ ये डिसाइड करेगी। अगर सामने से शेप जो है इस तरह से वो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की बन जाएगी, स्क्वायर पैरेलल की, इसका नाम होगा स्क्वायर पैरेलल की। और दूसरा, इसी तरह की शाफ्ट है हमारे पास और मेरे पास जो की है वो रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर है, समझ रहे हैं, ये है। और ये भी पैरेलल जा रही है, ये भी पैरेलल जा रही है, ये टेपर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो ये भी हमारे पास आ गई और ये कौन सी आ गई, रेक्टेंगुलर, आसान है। और
नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में शाफ्ट है हमारे पास और रेक्टेंगुलर की है, लेकिन वो पीछे से टेपर हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। जो पैरेलल चल रहा था ना, ये पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा टेपर है, ये देखो ये टेपर है थोड़ा सा, और ये टेपर यहां पे दिखा सकते हैं। टेपर का फायदा ये होता है, देखो होता हमने जब भी फिट करना है ना उसके अंदर, ठीक है, एक दूसरे को एंगेज करना है, तो टेपर में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। उसे रिमूव करना और उसे एंगेज करना दोनों में आसानी आती है, थोड़ी सी वीक पड़ जाती है ये, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें ये आती है क्योंकि एरिया कम हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि ईजिली रिमूवल के लिए, जहां आपको फोर्स कम लगानी हो, इजी रिमूवल, बार बार आपको लगता है कि इसको मूव करना मैंने यार निकालना है यहां से, तो टेपर की आप लगा सकते हो। तो ये क्या उनसे है, रेक्टेंगुलर टेपर की, रेक्टेंगुलर टेपर की, समझ रहे। अगर इसी में बात करूं तो ये रेक्टेंगुलर टेपर आ गई ना, इसी तरह अगर टेपर कर दें हम स्क्वायर वाले को, तो स्क्वायर वाले को अगर कर लें तो वो स्क्वायर टेपर की बन जाएगी, ठीक है। इसी को हम टेपर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास है वुड रूफ, वुड रफ की, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास ये शाफ्ट है, ठीक है, तो इसकी जो की लगी है की कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, सेमी सर्कुलर बन जाएगी, सेमी सर्कुलर बन जाएगी इस तरह से, ये बन जाएगी। और इस की को यहां पे संक की, ये क्योंकि ये फिर से वही उसकी शाफ्ट के अंदर है, तो इस तरह की जो टाइप्स है वो किसकी है, संक की। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सैडल की, सैडल की किस तरह से, ये शाफ्ट के ऊपर एक तरह से बैठ जाएगी, ठीक है, ऊपर बैठ जाएगी। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, एक है फ्लैट सैडल की, सबसे पहले है फ्लैट सैडल की। तो ये फ्लैट सैडल की किस तरह से है, ये शाफ्ट है हमारे पास और इसके ऊपर एक तरह से रख देते हैं, ठीक है। ये देखो ये डूबी नहीं होगी, ये इस तरह से होगी, ऊपर रखी है, और इसको जोड़ने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं कि आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हो इसको, ठीक है, आप इसको टाइट करने के लिए स्क्रू भी लगा सकते हो और स्क्रू से इसको टाइट कर सकते हो, कोई और अलग मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे ये नट लग सकते हैं, स्क्रू लग सकते हैं यहां पे, यहां पे, तो आपने यहां पे लगा के इसको ड्रिल करके इसको फिक्स कर दिया यहां पे, तो ये फ्लैट सैडल की आ जाती है। इसमें ये जो पार्ट है ना ये फ्लैट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होलो, होलो सैडल की। तो ये होलो सैडल की किस तरह से है, ये शाफ्ट है हमारे पास और ये जो ऊपर की होगी ना वो की राउंड होगी यहां पे, मैं ऐसे अलग करके थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, ये इस तरह से, लेकिन ये जुड़ी होगी, आपको ये अलग नहीं दिखाना है, इसको जुड़ा हुआ दिखाना है इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह दिखा रहा हूं। तो ये की अलग बना दूं अगर तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए, तो इस तरह से दिखेगी ये, तो होलो सैडल की। नेक्स्ट है हमारे पास गिब हेड की, गिब हेड की। इसमें हमारे पास इसका जो हेड है, ये जो सामने वाला पार्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह की जो शेप है वो है गिब हेड की, तो अलग से इसकी शेप है थोड़ी सी, इसलिए ताकि ये पूरा पूरा शाफ्ट के अंदर ना जाए, ठीक है, होलो के अंदर ये ना जाए, ठीक है, और इसको रिमूव करना भी आसान हो। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड और पिन, राउंड और पिन की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वही शाफ्ट है हमारे पास अगर सामने से देखें, और लेकिन उसके ऊपर जो की है वो एक इस तरह से पिन की तरह है, राउंड है, ठीक है, और ये शाफ्ट अगर यहां पे है और इसके ऊपर जो की लगी है वो एक इस तरह की शेप देगी, ठीक है। तो ये थी काफी मैंने आपको जो बताई वो टाइप्स ऑफ की, ठीक है, तो इसको आप इजी वे से समझ सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।